शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्य कर्मी का दर्जा से संबंधित है। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, यदि मिलेगा तो कब तक। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षकों को कोई विभागीय परीक्षा देनी पड़ेगी अथवा नहीं। इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होगा। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में राज्य कर्मी का दर्जा दे सकती है। दुर्गा पूजा से पहले उन्हें नियोजित टीचर का दर्जा मिल सकता है। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सालों पुराना सपना साकार होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक के स्केल के बराबर ही वेतन मिलेगा। इस पर सरकार इसी महीने फैसला लेने वाली है और फैसला लेते ही परीक्षा लेकर दर्जा या फिर बिना परीक्षा के लिए दर्जा दिया जाए, इसे लेकर के गहनता से चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में मोहर लगते ही इसमें जो तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें यह दर्जा हासिल हो जाएगा। प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद विभाग ने तैयारी कर ली है। के नियोजित शिक्षकों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, राज्य कर्मी का दर्जा इन्हें मिलेगा और इसके लिए बातें हो रही है और आदरणीय के पाठक जी अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से, और बहुत दिन अब इंतजार करने की स्थिति नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि दशहरा तक नियोजित शिक्षकों को गुड न्यूज मिल जाएगा। नियोजित शिक्षकों को हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, एकदम बिल्कुल इसके लिए चिंतित नहीं होना है। बिना परीक्षा बिना किसी शर्त के सभी लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है और यह बहुत जल्द मिलने जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया, विभागीय सोर्सेज हैं उनके माध्यम से जो बातें आ रही है। आदरणीय के पाठक जी काफी गंभीर हैं और उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कुछ मंत्रणा की इस मुद्दे पर और पूरे राज्य के बहुत सारे पदाधिकारियों से उन्होंने इस पर फीडबैक लिया, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है। जो यह खबर आ रही है, जो बताया गया है डिपार्टमेंटल सोर्स के माध्यम से, तो वहाँ बताया गया है कि कुछ लोगों ने यह प्रस्ताव दिया था कि परीक्षा ली जाए और परीक्षा पास करने के आधार पर इनको राजकर्मी का दर्जा बनाया जाए, जिसके बाद में आदरणीय के पाठक जी ने साफ साफ बिल्कुल इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने और कहा है कि इस प्रकार की बात जो है बिल्कुल आप लोग बंद करिए। कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है उसके बाद परीक्षा हो और परीक्षा के आधार पर कुछ हो तो यह बात अटपटा है, यह बात अटपटी है, यह साफ साफ नहीं अच्छी बात नहीं है। इसलिए बिना परीक्षा के सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और इस मुद्दे पर जो है उन्होंने सकारात्मक पहल की है और मुझे लग रहा है कि जिस गति में हमारे अपर मुख्य सचिव काम करते हैं, वो चाहे जिस रूप में हो वह काम करते हैं तो एकदम फाइटर जेट की तरह बहुत त्वरित काम होता है और वो अगर आ गए हैं पटना में और इस अभियान में लग गए हैं तो बहुत वक्त लगने वाला नहीं।